valuable words. Now I request our beloved head of the department, Khai sir, to share some insightful words. Give a big round of applause to him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले तो तमाम असातिज़ा को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, यौम असातिज़ा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद जो है, जितनी बातें आज सुनी गई, साजिद सर ने भी कही, चेयरमैन सर ने, जाहिद सर ने, शाहिद सर ने, ये तमाम ने जितनी बातें कही असातिज़ा के ताल्लुक से, इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा उभर के आई वो दो चीज़ें, अदब एहतराम और फरमाबरदारी। अदब एहतराम और फरमाबरदारी। मेरे प्यारों, अदब के ताल्लुक से आप लोगों ने देखा, जाहिद सर ने जो वाकया सुनाया, उसमें जो है देखा गया कि जो शागिर्द आजकल जो बच्चे बच्चियाँ रहते हैं कि हाँ हम बाकी सब पानी कम, तो ये लोग जो है अक्सर, शायद सर जो बोले थे फोर व्हील्स की मिसाल, कि रहती उनके पास फोर व्हीलर, चलने की कोशिश करते हैं वो लोग टू व्हीलर पे, तो इल्म उनके पास आ जाता, अमल, अदब, एहतराम, फरमाबरदारी ये नहीं आती, वो सिर्फ इल्म के साथ चलने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में फिर वो कभी ना कभी ऐसे लुढ़कते हैं कि फिर वो 17 साल कोई साहब थे उमर नाम के, वो कहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो ऐसा हाल हमारा ना हो। अब जहाँ तक बात है फरमाबरदारी की, कदर की, अहमियत की, तो शाहिद सर ने एक वाकया सुनाया 10 साल का, 10 घंटे का, कि आपके पास एक वक्त है 10 घंटे का, आप इस 10 घंटे में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, फलां, ढिका, सब चीज़ें लूट लो, लूट कर लेकर चले जाओ। अक्लमंद अगर होते तो सोते नहीं, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अब इसके पीछे एक मिसाल है, वो जो रैबिट की और क्या कि तांबेल की, रैबिट भाग के जाता जाके सो जाता अकलमंदी, और तांबेल आहिस्ता 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 आता और जीत जाता है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारो, आप लोगों को समझना है एक और मिसाल के जरिए, कि एक बहुत बड़ा जो है वो है फ्लाईओवर है, नीचे से जो है गुमनामी का समंदर, और ऐसा समझ लीजिए दर दर के ठोकरे खाने का समंदर, बर्बादी का, बदनामी का, बेहयाई का, बेशर्मी का, नाफरमानी का एक समंदर नीचे से बह रहा। ऊपर से जो आप लोगों के एक फ्लाईओवर जा रहा है, आपको जो है असातिज़ा ने एक अच्छा बेहतरीन फ्लाईओवर बना के उसके ऊपर से ले जाके पार करके आपको इन तमाम चीज़ों से बचा कर ले जाके पार कर दिया। 10th क्लास के बाद ये जो फ्लाईओवर है, ये क्या है, नर्सरी टू 10th, ये इसके ऊपर से जो आप जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो था नीचे से कैसा, किन चीज़ों का समंदर बह रहा था, बदनामी, बर्बादी, बेहयाई, बहुत सारी गलाजतों का समंदर बह रहा था। असातिज़ा आप लोगों को जो है उंगली पकड़े, हाथ पकड़े और ऊपर से ले गए और एक बेहतरीन समंदर के हवाले करें। उस समंदर में क्या है, उस समंदर में बहुत सारी नेमतें हैं, वहां पर जो है एक अच्छा मुस्तकबिल है, वहां पर जो है अच्छी ऐसा समझ लीजिए अच्छी माँ बनने का एक समंदर है, अच्छी बहू बनने का है, या अच्छी बेटी बनने का है, और अच्छी डॉक्टर बनना है, अच्छी इंजीनियर बनना है, या ये तमाम चीजें बच्चे भी जो बन सकते। लेकिन हमारे प्यारे क्या करे, यहां से टीचर्स ले गए तैरना सिखाए कि तुम इस समंदर में मत डूबो, तुम डूबो आगे वाले समंदर में जिसमें अच्छाइयां हैं। हमारे बच्चे क्या करें, ये पार कर लिए, तैरना नहीं सीखे। क्या करें, पार तो कर लिए इसको मगर तैरना नहीं सीखे। जब इनको जो है तैरना सिखाए कि आप जो है ऐसे तमाम
समंदर में मिलने वाली चीजों से बच सकते हैं, डूबने से बच सकते हैं, ये नाफरमानी से, बेहयाई से, बेशर्मी से, बदजुबानी से, बदकलामी से बच सकते हैं, अच्छे से तैर कर किनारे पे जा सकते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चे क्या करें, वो फ्लाईओवर पे से गुजर गए कोशिश करके, डूबे नहीं, लेकिन जब आगे के समंदर में ले जाके डाले तो वहां पर तैरना नहीं सीखे थे, जिसकी वजह से वहां पर भी डूब गए। तैरना सिखा के तुमको बोले थे अब जाओ तैरो, तैर के जो है समंदर पार करो, किनारे पे जाओ, तो हमारे प्यारे क्या करें, आगे जाके भी समंदर में जब उनका वक्त था अच्छे बनने का, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं की थी, इसीलिए आगे जाने के बाद भी एक अच्छा समंदर आपको मिला था कि भाई तैर के पार कर दो, लेकिन आप वहां पर भी जाकर डूब गए। वक्त की कदर नहीं करें, उस वक्त में जिसमें आपको सोना चांदी जवाहरात लूटना था, उस वक्त में आप उन चीजों को लूटे नहीं और क्या करें, सो गए। और जिस वक्त में आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर से समझदारी के साथ सीख कर जो है उस फ्लाईओवर को पार करना था, आपने वहां पर भी क्या किया, सीखा नहीं और आगे जाके डूब गए। यहां तो बचे मगर वहां डूब गए। अब मैं एक वाकया आप लोगों को मैं भी सुनाता चलूं, इमाम मालिक का। इमाम मालिक वक्त के बहुत बड़े इमाम, वक्त के चार इमाम है, उसमें से एक इमाम है इमाम मालिक। आपका एक वाकया है, आप जो है हजारों लाखों लोगों को बिठाकर दर्स देते थे, हजारों लाखों लोगों को बिठाकर इल्मी दर्स होता था, जिसमें आप लोग जैसा बैठे हुए उसी तरीके से जो है बहुत सारे हजारों लाखों की जो है पब्लिक बैठती थी और जो है बहुत सारी इल्मी बातें वहां पर सीखने का मौका मिलता था। वहां पर उस दौरान आप लोग देखे कि इमाम मालिक अपने गद्दे पे तशरीफ फरमा है और दर्स दे रहे थे, दर्स देते देते अचानक उठ के ठहर गए। दर्स देते देते क्या करें, यहां देखिए, दर्स देते देते इमाम मालिक अचानक उठ के अदब से हाथ बांध के ठहर गए, तो नीचे जो लोग थे जो पढ़ने के लिए आए थे वो तमाम हजरत इमाम मालिक को देखे, देखकर वो लोग भी ठहर गए कि ये क्या हुआ अचानक, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दर्स के दौरान पूछे कि क्या बात है। वो लोग देखे कि वहां से एक आदिवासी का लड़का जा रहा था, पत्ते वत्ते लपटा हुआ था अपने जिस्म पे और वो वहां से जा रहा था अजीबो गरीब हालत में, तो उसको देखकर इमाम मालिक ठहर गए, ये लोग भी देखे, ये लोग भी ठहर गए, फिर जब इमाम बैठे तो सब बैठ गए। दर्स हो जाने के बाद सब मिलके बैठे थे इमाम मालिक के पास, आप लोग पूछे कि अगर आपकी इजाजत है तो एक सवाल कर ले हम लोग, तो फरमाया करो। तो आप दर्स देने के दौरान अचानक से उठ खड़े हुए थे, हम लोगों ने देखा कि एक आदिवासी का लड़का वहां से पत्ते बांधे हुए जा रहा था, ये क्या माजरा है बताइए, ये क्या माजरा है, हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, हमारे समझ में बात ये नहीं आई, आप बड़े अदब एहतराम के साथ जो है वहां पर बैठ गए क्यों। तो इमाम मालिक बोले कि देखो मेरे उस्ताद, अदब देखो, अदब अदब एहतराम अपने असातिज़ा का, मेरे उस्ताद का लड़का वहां से जा रहा था तो मैं अपने उस्ताद के लड़के के एहतराम में ठहर गया था। अब वो लोग सवाल करें कि एक आदिवासी का बाप आपका उस्ताद कैसे हुआ, आप तो एक वक्त के इमाम हैं, इमाम मालिक, कितनी उनकी रिवायतें, कितनी क्या क्या, कितना इल्म वो जो हम तक नहीं पहुंचाए, वो लोग तो वक्त के इमाम है, वो ठहर गए किसके अदब में, एक आदिवासी उस्ताद के लड़के के अदब में। तो फरमाया ऐसे कैसे वो आपके उस्ताद हो गए, इमाम मालिक के उस्ताद, वो भी आदिवासी। तो फरमाया एक ऐसा मेरे पास सवाल आया था कि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता था, जिसका जवाब मैं दे नहीं सकता था, वो जंगली जानवरों से रिलेटेड एक सवाल था कि कुत्ता कब बालिग होता, एक कोई साहब सवाल कर रहे थे कोई साहब इमाम मालिक से कि बताइए कुत्ता कब बालिग होता, तो उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, तो वो मालूम करे किसी जंगली लोगों से, तो वो जवाब दे दिया जिस तरीके से भी जवाब देना था, तो उन्होंने आगे जवाब को पहुंचा दिया। तो अब जो है यहां देखिए, एक छोटे से सवाल का जवाब वक्त के इमाम ने जो है एक आदिवासी से मालूम किया, तो उनका अदब तो कितना होगा, वो तो होगा ही उस आदिवासी का, लेकिन उस आदिवासी के लड़के के वहां पर गुजरने पर हजरत इमाम मालिक उसके अदब एहतराम में भी ठहर गए। बताइए क्या हमको अदब एहतराम, क्या इस हिसाब किताब का हम आज अदब एहतराम करते हैं अपने असातिज़ा का, नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है अपने असातिज़ा का अदब करें, एहतराम करें। मैं सुना था हजरत अली का कौल, शायद यह है एग्जैक्टली याद तो नहीं है, कि अगर कोई मुझे एक हर्फ भी सिखाए तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूं। उस्ताद ये लोग ये डिजर्व करते, ये रेस्पेक्ट डिजर्व करते,
हम लोग जो है कभी पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है इतनी मेहनतों को इनके समझ कर इनकी जो है कदर और इनका अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाएं।